दुनिया स्पोर्ट्स और क्रिकेट की ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, एनालिसिस और डेली लाइव फैंस इंटरेक्शन सेशंस के लिए अभी क्रिकेट टॉक विद अब्दुल गफ्फार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बाखबर रहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और मुझे पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद आप सब लोग बड़ी बेताबी से शेड्यूल के मैचेस के इसी तरह प्लेयर्स कौन कौन से होंगे उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और मुझे भी इंतज़ार है। कुछ चीज़ें मुझे पता चली, मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। और चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए जो लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपके पास जो है वो इसी तरह मालूमात पहुँचती रहें। और दूसरों को बताइए यार कि मतलब अभी तक देखें 5,500 सब्सक्राइबर हुए हैं इस चैनल के, और आपके पास ढेरों अपडेट्स आती हैं, तो इसको बढ़ाइए आप भी ज़रा, इसमें जो है वो सपोर्ट करें, चैनल को स्प्रेड करें। अब जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बर्नी साहब मेरे साथ कुरान में मौजूद थे, डॉन के कुरान बीतने में, और काफ़ी सवाल हुए। और दो तीन चीज़ें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये कि 2 मैचेस होंगे, 5 जून से इस लीग का आगाज एक्सपेक्टेड है, और शायद शेड्यूल जल्द जारी भी कर दिया जाए। डबल हेडर्स होंगे, गर्मी बहुत है तो इसलिए 5:30 बजे या 5 बजे एक मैच रखा जाएगा, दूसरा शायद 10 बजे। तो इसी तरह गर्मी की वजह से मैचेस को थोड़ा सा नीचे टाइमिंग उसकी ड्रैग की जा रही है, ताकि लेट नाइट बेशक मैच हो जाए पर शाम में मैचेज हों। अबू धाबी के ग्राउंड को लोग जानते हैं, मैंने भी कवरेज किया, बहुत सारे लोग गए भी हुए, पूरा एक खुली सराउंडिंग्स में है वो एरिया, तो शदीद गर्मी में भी शायद उस ग्राउंड में इतना इम्पैक्ट नहीं होगा गर्मी का। बाकी तो खिलाड़ी फिर रहते ही ऑब्वियसली एक बड़े ज़बरदस्त प्रोटोकॉल्स के साथ वो तमाम चीज़ें उनके लिए मैनेज होती हैं, तो वहाँ इतना पता नहीं चलेगा यूई के अंदर, लेकिन भारत गर्मी तो है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो तमाम एक्सपेंसिव हैं वो पीसीबी बेयर करेगा, जो बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजेस को बता दिया गया है कि इसके तमाम एक्सपेंसिव पीसीबी ही बेयर कर रहे हैं, उन पर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी, यहाँ तक कि प्राइस मनी भी सेम ही रहेगी। इसके साथ साथ जो दीगर बातें कि कौन से खिलाड़ी आ सकेंगे कौन से नहीं, अब इसके मुताबिक आप थोड़ी सी, मैंने भी अभी कैलकुलेशन की नहीं, मैं जब वीडियो बनाने आया तो मैंने गुलाम के बाद आपके साथ आके बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल जो टीमें खेल रही हैं उनके खिलाड़ी अगर 15 से 20 जून बिजी हैं, जैसे कि शाकिबुल हसन का ढाका प्रीमियर लीग के हवाले से मैंने सुना, या अगर कोई खिलाड़ी खेल रहा है अगर उसकी इंटरनेशनल लीग नहीं है, तो फिर तमाम ही गैर मुल्की खिलाड़ी चाहे मुझे लग रहा है 70-80% तो पहुँच ही जाएंगे जिनकी इंटरनेशनल सीरीज़ नहीं है। एक तो ये बात, इसके हवाले से जल्द बाकी जो तफसीलात हैं मैं आपके साथ ले कर हाजिर होऊँगा। और इसी तरह जो खिलाड़ियों को गर्मी से बचाने के लिए इंतजाम हैं जनाब, वो भी बड़े उस पर पीसीबी काम कर रहा है। पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया के मुताबिक जो तमाम पॉसिबल जो कहते हैं ना इंतजाम हैं, यानी कि वो जो आइस टब होता है या वो जो आप देखोगे अक्सर खिलाड़ी एक आइस का पहनते हैं या आइस जैकेट्स वगैरह भी, तो वो भी उनके लिए जो है वो स्पेशल इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि गर्मी का एहसास है पीसीबी को और फ्रेंचाइजेस को। तो ये वो चीज़ें हैं जो अब तक रिपोर्ट हुई हैं, और मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है कोई सेल में आपके सवाल है तो मुझसे ज़रूर कीजिएगा। खिलाड़ियों को बहरहाल वहाँ पहुँच कर जो है वो क्वारंटीन करना है तकरीबन 7 दिन का, और जो गैर मुल्की आ रहे हैं इंडिया साउथ अफ्रीका से ब्रॉडकास्ट उनका 10 दिन का है, सेपरेट उनका होटल होगा। पीसीबी ने 3 होटल्स कराए हैं 6 टीमों के लिए, 2-2 टीमें एक होटल में रहेंगी, और ये वो सारी तफसीलात हैं जिनके मुताबिक आप जानना चाह रहे थे। तो ये पीसीबी ने डायरेक्टर मीडिया से, क्योंकि मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और वो इंटरव्यू आप डॉन न्यूज़ पे जाके भी कुछ देर में देख सकेंगे, वहाँ पोस्ट हो जाएगा जिसमें पूरी डिटेल मौजूद है। मिर्ज़ा इकबाल बेग भी साथ भी हमारे साथ मौजूद थे। आपके जहन में कुछ सवाल हैं तो ज़रूर मुझसे आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और रात इंशाल्लाह 11:30 या 11 के बाद आपके साथ लाइव बातचीत भी होगी, तो उसके लिए भी आपके साथ फिर सवाल का सिलसिला वहाँ भी हो जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद खबरें आपको जल्दिया मिलता रहेगा। दुनिया स्पोर्ट्स और क्रिकेट की ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, एनालिसिस और डेली लाइव फैंस इंटरेक्शन सेशंस के लिए अभी क्रिकेट टॉक विद अब्दुल गफ्फार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बाखबर रहिए।